हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कहता है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन प्रोपेनॉल। वन प्रोपेनॉल का मतलब हो गया बच्चों CH3CH2CH2OH हो गया। अब इसमें बदल रहा है तो कहता है इंडिकेट विच सेट ऑफ द रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग इज आइडियल टू इफेक्ट द अबव कन्वर्जन। इस कन्वर्जन को प्राप्त करने के लिए बोले तो इससे इसको बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट सबसे बेस्ट रहेगा, तो बच्चों इसमें सबसे बेस्ट रिएजेंट रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो सवाल उठता है ऑप्शन नंबर सी क्यों और बाकी सब क्यों नहीं। बच्चों सबसे पहला नंबर, जैसे मान लीजिए KMnO4 है, KMnO4 अल्कलाइन है। आपको पता है ये दो तरह का होता है, एक हॉट KMnO4 एक कोल्ड KMnO4। हॉट KMnO4 तो खैर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। कोल्ड KMnO4 में बच्चों क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा और माइल्ड ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है कि एल्कीन जो है बच्चों ये विसिनल डाईऑल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी OH लग जाने, यहाँ भी OH लग जाने, लेकिन हमें तो एक ही OH चाहिए तो इसलिए नहीं हो पाएगा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम क्या करता है, ये भी सेम टू सेम इसी का भाई है, ठीक है ना, ये भी क्या करता है एल्कीन को विसिनल डाईऑल में कन्वर्ट कर देता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद B2H6 H2O2 दे रखा है बच्चों, तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, एल्कोहल बनता है, वो भी किस रूल से, मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल से। तो बच्चों यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, मार्कोनी के हिसाब से स्टेबल कैटायन कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो एंटी मार्कोनी के हिसाब से कहाँ पर बनेगा बच्चों, लेस ये वाला। अब आपको पता है कि लेस स्टेबल वाले कैटायन पर हम क्या करते हैं, OH जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर OH जोड़ दिया, तो इस प्रकार से हमें वन प्रोपेनॉल मिल जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑस्मियम क्या करेगा बच्चों, ऑस्मियम में क्या होता है, यहाँ से एल्कीन टूट जाएगा दो भागों में और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो एक तरफ से एसिटल्डिहाइड और एक तरफ से फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसका आंसर क्या हो जाना है, सी हो जाना है ना बच्चों। 73 विच इज़ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट एमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश कंपाउंड 3 फ्रॉम द अदर। कहता है कंपाउंड 3 को अदर से डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट सबसे बेस्ट है। तो बच्चों कंपाउंड 3 जो है वो है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, टर्मिनल अल्काइन है ना, टर्मिनल एल्काइन है। तो डिस्टिंग्विश करने का मतलब है कि एक ऐसा रिएजेंट जो टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करता हो और बाकी सबके साथ नहीं करता हो, है ना बच्चों। क्या मैंने बोला, इसके साथ करता हो बाकी सबके साथ नहीं करता। तो इसके लिए जो बेस्ट रिएजेंट है वो है बच्चों टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। आपको पता है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का टर्मिनल अल्काइन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब बच्चों क्या मिलता है, सिल्वर अल्काइनाइड मिलता है, बोले तो वाइट कलर का PPT मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, वाइट कलर का PPT मिलता है। जबकि यही टॉलेंस रिएजेंट जो है, यही टॉलेंस रिएजेंट टर्मिनल अल्काइन के साथ तो रिएक्शन करता है, बाकी नॉन टर्मिनल के साथ या एल्कीन के साथ, इन सब के साथ रिएक्शन नहीं। तो इसके साथ इसका रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसके साथ भी नहीं हो पाएगा, इसके साथ भी नहीं हो पाएगा, केवल इसी के साथ रिएक्शन होगा। तो क्वेश्चन में भी क्या कहता है, क्वेश्चन में यही तो कहता है कि कौन सा रिएजेंट है मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, मोस्ट सुटेबल। एक तो इसके साथ रिएक्शन करता है पहला नंबर, दूसरा नंबर PPT बन रहा है बच्चों, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, PPT बन रहा है। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में PPT का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे रिएक्शन बहुत ही फास्ट तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसीलिए बेस्ट रिएजेंट होता है ना बच्चों। तो इसीलिए टॉलेंस रिएजेंट ही इसका बेस्ट सुटेबल रिएजेंट होगा, और ये सबसे डिस्टिंग्विश भी करेगा। डिस्टिंग्विश क्यों करेगा भैया, तो डिस्टिंग्विश इसलिए करेगा क्योंकि ये इसके साथ तो रिएक्शन करेगा, बाकी सबके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब रही बात ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आपको पता है बच्चों ब्रोमिनेशन जब हम यहाँ पर करेंगे Br2CCl4 के साथ, तो यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, इसके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, इसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगा और इसके साथ भी रिएक्शन होगा, ये सबके साथ रिएक्शन करेगा। तो जब सबके साथ ही रिएक्शन किया तो डिस्टिंग्विश कहाँ हुआ,
ठीक है ना बच्चों। ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, तो ये भी ब्रोमिनेशन ही है, तो ये भी बच्चों सबके साथ रिएक्शन हो जाएगा। कोल्ड के अल्कलाइन के एमनोफोर, अल्कलाइन के एमनोफोर यहाँ पर क्लियर करके बताया नहीं है, हॉट होगा या कोल्ड होगा, ये भी सबके साथ रिएक्शन कर जाएगा बच्चों। नहीं, इसके दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी सबके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी सबके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो बच्चों ये भी तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया ना, क्यों? डिस्टिंग्विश थ्री के साथ, डिस्टिंग्विश करने का मतलब है कि थ्री के साथ रिएक्शन करता और बाकी के साथ नहीं करता, या फिर थ्री के साथ नहीं करता बाकी सबके साथ कर जाता, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो सबसे करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 बस देखने में ही लेंदी जैसा लग रहा है, बाकी है आसान। इसमें क्या है बच्चों, HBr दिया हुआ है, HBr के साथ पेरोक्साइड है, तो आपको पता है HBr जब पेरोक्साइड के साथ हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, ब्रोमिनेशन होता है, लेकिन एंटी मार्कोनी रूल से होता है। किससे होता है बच्चों? एंटी मार्कोनी रूल से प्रोडक्ट इसमें बनता है अल्काइल ब्रोमाइड। अब आप देख लीजिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH दे रखा है, और फिर बच्चों CH2 का होल 8 भी दे रखा है, और फिर बच्चों यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और एच दे रखा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच दे रखा है, ठीक है ना। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो मार्कोनी रूल के अनुसार से बच्चों स्टेबल केटाइन ये वाला होगा, स्टेबल केटाइन ये होगा, तो एन लेस स्टेबल केटाइन कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो लेस स्टेबल वाले पर जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम BR लगा देंगे, कुल मिलाकर एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनाना है पेरोक्साइड के कारण। तो यहाँ पर बच्चों CH2 का होल 8 हो जाएगा, और फिर बच्चों यहाँ पर COO सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बाकी नहीं हो पाए, यहाँ तो एल्कीन रह गया, यहाँ भी एल्कीन रह गया, और यहाँ पर बच्चों मार्कोनी रूल से प्रोडक्ट बनाया जो कि गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।